अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे अपनी आर्ट की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जो कि काफ़ी टाइम से मैं नहीं कर सकी थी। ये सिंपल सा काम है लेकिन टाइम टेकिंग है। आप सब भी इसको अपनी ट्रेस को रिसाइकल कर सकते हैं। और ये ट्रे मैंने जस्ट इस पर्पज़ के लिए ली थी कि मैं इसको पेंट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्टार्ट तो मैं कर चुकी हूँ, आप साथ साथ देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले इसको ओवरऑल पेंट किया था और दरमियान में मैंने शीट्स लगा दी थी ताकि मैं इनर जो इसकी डिटेल्स करनी है वो बाद में करूँ। तो अब वो मैंने शीट उतार दी है। सबसे पहले मैंने रफ सी लाइंस लगा दी हैं ताकि मैं सीक्वेंस मेंटेन कर सकूँ। उसके बाद मैंने ये स्टेंसिल काटा है जो कि हैंडमेड है। आपके सामने मैंने एक लीफ लेके उसका स्टेंसिल बनाया है। स्टेंसिल को हम उस बॉक्स में रखेंगे जो कि हमने ऑलरेडी मैयर करके लगाया था। और ये मैं मास्किंग टेप लगा के इसको एक जगह स्टिक करूँगी। और ये मैं अब एक्रेलिक पेंट निकाल रही हूँ और देसी काम कर रही हूँ ताकि मुझे बाद में इसको समेटना आसान हो जाए। ये दो कलर मैं मिक्स करके लगाऊंगी और ये स्पंज मैंने घर का जो स्पंज होता है वो लेके उसको काट के बनाया, उससे मैं इसको कलर फिल कर रही हूँ। और ये इस तरह मैं पूरी ट्रे पे इसके सारे स्टेंसिल्स लगा के कलर कर दूँगी। एक मज़े की बात आपके साथ शेयर करूँ, कुछ लोग तो मुझे कबाड़िया कहते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें जमा करती हैं और उसके बाद इसको रिसाइकल करती रहती हैं, बट ये मेरी हॉबी है और उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है मेरे इस पैशन का। मुझे बहुत अच्छा लगता है पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाना। साथ साथ मैंने छोटे लीव्स भी बना लिए थे और इनको कलर भी कर दिया था। अब इसकी हम डिटेलिंग करेंगे। और हमेशा मेरी एक ये कोशिश होती है कि मैं जो घर में अवेलेबल चीज़ें हैं उसी को यूज़ करूँ और ज़्यादा फैंसी टच की तरफ मत जाऊँ। इसलिए मेरे पास ये जो ब्रशेज आप देखेंगे ये सारे मेरे पास ऑलरेडी जो घर में अवेलेबल है मैंने को यूज़ कर रही हूँ। और जहाँ पे मैं कुछ नहीं बन पा रहा होता वहाँ मैं अपना जुगाड़ लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे गोल्डन कलर नॉब के साथ नहीं मिल रहा था और वाइट कलर भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, सो मैंने बड़ा ही इधर अपना वाकई में जुगाड़ लगाया है और इसको कम्प्लीट किया है। अगर आपको पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताना है। और यहाँ पे मैं कार्ड यूज़ कर रही हूँ लाइन के लिए। कार्ड इसलिए बने होते हैं ताकि मुश्किल वक्त में आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकें। और जिन साहब का ये मैं विजिटिंग कार्ड यूज़ कर रही हूँ उनको तो अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये कार्ड इसलिए भी यूज़ किए जाते हैं। चलें जी, यहाँ पे पैटर्न भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने लगा है और अब मैं इसकी इनर वाली डिटेलिंग करूँगी लीव्स की और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चलें जी, यहाँ पर ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है और अब इसके ये फाइनल टचेस हैं और ये रही इसकी फाइनल लुक। और इसके बाद मैं अब इस पर करूँगी कोट वार्निश का ताकि ये ख़राब ना हो इसका कलर और एक परफेक्ट फिनिशिंग आ जाए। और इसको कोट करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ना होता है ताकि ये ड्राई हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इसके जो साइड्स हैं उसको उतारूँगी। यहाँ पर जो आप कोटिंग करेंगे वो आप ब्रश से नहीं करेंगे, आप कॉटन से करेंगे। मैंने इसलिए यहाँ पे किया कि मुझे उस वक्त समझ नहीं आता था और मेरे सामने ब्रश था, मैंने उसको यूज़ कर लिया। लेकिन परफेक्ट कोटिंग के लिए आप कॉटन का यूज़ करेंगे। अब जी मैं इसकी साइड्स उतार रही हूँ ताकि मैं इसकी फाइनल लुक के लिए इसको मैं एक टच दे सकूँ साइड्स को। अब जी जस्ट मैं सिंपली साइड्स इसकी जो हैं वो आराम से कलर की है और अब ये है इसकी फाइनल टच। और पीछे से मैं इसकी सारी शीट्स उतारूँगी। वीडियो पसंद आया तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। वीडियो तो आपके लिए मैंने काफ़ी छोटी बनाई है ताकि आपको देखने में आसानी हो, बट ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है। बट जब फाइनल चीज़ बन के सामने आती है तो बहुत खुशी होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते हैं इसका फाइनल लुक और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।